नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूँ डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आने वाली तमाम बीमारियों के बारे में और आपको अलर्ट करते हैं कि कैसे आप उन परेशानियों से बच सकते हैं, कैसे उन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इसी प्रकार आज भी हम हाजिर हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम को लेकर आप सभी के बीच और आज भी हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आप तक पहुंचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पर उससे पहले आपको बता दें कि हमारी इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत करना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत, इनके साथ में कई पद जुड़े हुए हैं, यानी कि ये डॉक्टर भी हैं, साथ ही प्रोफेसर भी हैं और हमारे भारत विकास परिषद चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष और दयालबाग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो तमाम चर्चा आज होगी इनसे होम्योपैथिक के बारे में, क्या है होम्योपैथिक पद्धति, क्यों लोग एलोपैथिक की तरफ बढ़ रहे हैं और अब होम्योपैथिक की तरफ भी लोग जा रहे हैं, तो किस तरीके से इलाज होता है होम्योपैथिक में, ये तमाम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपके साथ अपनी चर्चा शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले बात आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप भारत विकास परिषद में अध्यक्ष रह चुके हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अभी अभी अध्यक्ष हैं, साथ ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में और होम्योपैथिक को आप किस दृष्टि से देखते हैं? होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आजकल और दूसरी पद्धतियों से भिन्न है। जी, होम्योपैथी में क्या होता है, इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं और जो क्योर होता है वो परमानेंट होता है और हमेशा ज़्यादातर लोग आजकल ऐसी पैथियों के लिए कर रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट कम हो और जल्दी से जल्दी पेशेंट। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथिक जो है वो धीरे धीरे काम करती है या स्लो वर्क करती है, इस वजह से कई बार लोग नहीं जाते होम्योपैथिक चिकित्सक के पास, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल झूठ है, ये भ्रम है, मिथ है। जी, क्या होता था पहले, जब मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे होम्योपैथी के, तो जो कुछ क्वेक्स थे जैसे पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने वाले, बैंक में नौकरी करने वाले, उन्होंने 10 रुपए की किताब खरीदी, उनको बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता है, उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी नहीं पता है, तो वो कहते थे होम्योपैथी देर में फायदा करती है, लेकिन होम्योपैथी अन्य पैथियों की कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। जी, अभी इसका रिसर्च हुआ नया, IIT बॉम्बे में डॉक्टर जयेश बिलारे, उन्होंने रिसर्च किया है कि होम्योपैथी एटम पर बेस्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि अन्य पैथी अभी रिसर्च कर रही है, आज से 200 साल पहले ये डिस्कवर हो चुका है कि होम्योपैथी नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, क्योंकि इसकी जो रिसर्च करने वाले थे वो डॉक्टर हनीमैन थे, वो खुद एलोपैथ थे। जी हाँ, तो ये बहुत ज्यादा इसलिए ज्यादा कारगर है कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात करें, अगर हम एलोपैथिक की बात करते हैं, उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हैं, तो क्या होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सा पद्धति अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं दोनों। जी, तो दोनों किस तरीके से, मतलब होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को आप कैसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब किस तरीके से आप बताते हैं? सर्वश्रेष्ठ तो हर पैथी की लिमिटेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, वो हर एक की लिमिटेशन है, किसी में एलोपैथी ज्यादा कारगर है, किसी में होम्योपैथी, जैसे क्रॉनिक डिसीज हो गई, जैसे बहुत अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा जो आराम में 80% बच्चों को होता है अस्थमा, तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट है, उसमें अन्य पैथियों में तो उसको लगातार खिलाते रहेंगे, लेकिन होम्योपैथी में वो क्योर हो जाती है। जी, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर के, और आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि किस तरीके से बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक में होता है, एक होम्योपैथिक चिकित्सक किस तरीके से आपको ठीक करता है और किस तरीके से आप उस बीमारी से पूर्णतः निजात पा सकते हैं। डॉक्टर, यहाँ पे आपको किस तरीके की बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं जो आजकल बढ़ रही हैं और इस मौसम में ज्यादातर हो रही हैं? आजकल तो आगरा में बहुत ज्यादा वायरल फैला हुआ है। जी, वायरल है, एलर्जी का अस्थमा बहुत हो रहा है, जॉइंट पेन बहुत हो रहे हैं, बरसात के मौसम में ये बीमारियाँ ज्यादा फैल रही हैं, तो इसका होम्योपैथी बहुत ही कारगर इलाज है। इसके साथ साथ इसमें वायरल फीवर की रोकथाम की दवाइयाँ भी होम्योपैथी के, अगर हम उसको पहले से ले लें तो वायरल फीवर होता भी नहीं लोगों को, वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया ये भी इस बदल में होते हैं, तो उसकी रोकथाम की दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, हमने कई बार देखा है जब लोगों को बुखार होता है, जैसे आप फीवर बता रहे हैं वायरल फीवर, वो एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं या फिर एंटीबायोटिक खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि होम्योपैथिक की दवाई लेंगे फिर वो असर करेगी
इस वजह से वो लोग नहीं जा पाते, तो क्या बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, होम्योपैथी अन्य, मैं किसी पैथी की बात बुराई नहीं करता, लेकिन होम्योपैथी में वायरल फीवर का बहुत इफेक्टिव इलाज है और 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है और रिकरेंस नहीं होती। अन्य पैथी में दोबारा रिकरेंस भी हो जाती है, लेकिन इसमें दोबारा रिकरेंस नहीं होती, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बात करें जॉइंट पेन का, आपने बताया इस मौसम में फैल रहा है, जॉइंट पेन की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो क्या उसका भी होम्योपैथिक चिकित्सक एक अच्छी तरीके से इलाज करता है? बहुत अच्छे होम्योपैथिक का इलाज है जॉइंट पेन के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब इसका बहुत ही कारगर इलाज है। क्योंकि होम्योपैथी अन्य पैथियों में क्या करते हैं कि उसको स्टेरॉइड बेस्ड दवाई देते हैं जी, तो उसके और दूसरे साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन होम्योपैथी साइड इफेक्ट नहीं होती, परमानेंट ठीक हो जाते हैं जी। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इसका इलाज चलता है, कई बार देखा जाता है कि इसका इलाज लंबा चल रहा है, दवाइयाँ रेगुलर लेनी है और लंबे समय तक लेनी है, तो ये एक होम्योपैथिक चिकित्सक से जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा होता है हर बीमारी के लिए? नहीं, जैसे लोग कहते हैं होम्योपैथी बहुत देर में फायदा करती है जी, लेकिन ये बहुत मिथ है, ऐसा बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक पेशेंट है जो 10 साल से बीमार है जी, और जो 6 महीने में होम्योपैथी ठीक हो जाता है, किससे पहले ठीक हुआ बताइए जी? बिल्कुल, जब 10 साल से दवाई खा रहा है, होम्योपैथी से 6 महीने में ठीक हो रहा है, तो होम्योपैथी जल्दी ठीक हुआ ना? बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच अब लोगों की बन गई है कि होम्योपैथिक धीरे असर करती है, लेकिन फिर भी जागरूकता फैल रही है तो लोग अब होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर हम बात करें, आपने बताया मौसम में इस तरह की परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, यानी कि अब जो मौसम आने वाला है या जो मौसम बीत गया गर्मी के मौसम में भी, तो ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, बहुत वायरल, स्किन का वायरल बहुत हो रहा है, हर चीज के लोग बहुत आ रहे हैं इस वायरल में, हर चीज का उसके बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है होम्योपैथी के अंदर, और ये भी 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन में ठीक हो जाता है, आजकल हर चीज बहुत हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या कारण होते हैं इस बीमारी? ये तो इम्यूनिटी के वजह से वायरस जल्दी मतलब उसकी ग्रोथ होती है, इसलिए होता है, वो क्लाइमेट और उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पैदा होता है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे देखा जाता है होम्योपैथिक चिकित्सक जब एक दवाई देता है तो वो कुछ गोलियों का ही उसमें असर रहता है, और यही कुछ 4 गोलियाँ दिन में 2 बार या 3 बार उसके अकॉर्डिंग वो देता है, तो ये छोटी छोटी गोलियाँ किस तरीके से हमारे शरीर में इफेक्ट करती हैं? जैसे क्या होता है, एक न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा क्या होता है कि जितनी आदमी कम क्वांटिटी होगी दवा की, उतनी ज़्यादा इफेक्ट होगी। जैसे रैंडम मोशन होता है कि मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर, तो जब जगह ज़्यादा होगी और पार्टिकल होता है उसको काम करने का ज़्यादा जगह मिलेगी, तो मतलब जितनी ज़्यादा डोज कम होती है उतनी ज़्यादा पोटेंसी हाई होती है और ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ती है, इसलिए छोटी छोटी ये मतलब नैनो टेक्नोलॉजी पर भेज है, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बिल्कुल, नैनो पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जी। डॉक्टर साहब, परहेज की अगर हम बात करें तो किस तरीके से परहेज होती है होम्योपैथिक? ऐसा होता है, आजकल लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा है, सब लोग प्याज, लहसुन और कॉफ़ी, इलायची, ये बनता रहते हैं, लेकिन ये और उसकी हींग, लेकिन ये गलत है। क्या होता है, अगर हम प्याज से बनी हुई दवाई बनती है एलुचिका जी, अगर हम उसको दे रहे हैं तब हमें प्याज नहीं देनी है, क्योंकि वो क्रूड फॉर्म में होती है, पोटेंटाइज फॉर्म में होती है, अगर हम प्याज देंगे तो उसको एंटीडोट कर देगी जी, तो इसलिए हींग देते हैं, हींग से दवाई बनती है ऐसा फॉर्मूला, अगर हम उस दवाई को दे रहे हैं तो उसमें हम हींग नहीं देते तो उसको इफेक्ट करेगी। इस तरह से कॉफ़िया क्रूडा दवाई बनती है कॉफ़ी से, इसलिए कॉफ़ी लोग क्या करते हैं उनको पता नहीं है, सब बंद करा देते हैं, अगर हम ये दवाई दे रहे हैं तो हमें ये नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हम सब खिला सकते हैं, ये दवाई दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें ठंडे गर्म का भी कुछ परहेज रहती है, या फिर ऐसा बोला जाता है कि ठंडे चावल मत खाइए या ठंडी चीज़ें मत लीजिए? ये तो बीमारी के अकॉर्डिंग होता है, जब जॉइंट्स पेन है तो उसमें चावल और ठंडा बंद कराते हैं, उससे पेन बढ़ जाता है, ऐसा नहीं हर एक में बंद कराते, ऐसा नहीं होता जी। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत, जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक के बारे में, यानी होम्योपैथी किस तरीके की पद्धति है इसके बारे में हमने डॉक्टर साहब से जाना, और बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि किस तरीके की भ्रांतियाँ होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर हमारे समाज में फैली हुई हैं, क्या कुछ परहेज हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, यानी कि हमें पूर्णतः जानकारी नहीं होती, कहीं ना कहीं ये जानकारी का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, कि हमें अगर किसी पद्धति के बारे में नहीं पता और हम उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात करें, जैसे आपने बताया कि कोई परहेज नहीं होती, दवाइयों की हम बात कर रहे थे, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं होम्योपैथिक में कि 10 बूंद पानी में डालकर लेने से मरीज को फ़ायदा मिलता है बीमारी में, तो लेकिन एलोपैथी या किसी और पद्धति में अगर हम देखें तो ये सब नहीं होता, तो ये क्या सॉल्यूशन क्या होता है? दवाई को डिस्पेंस करने का तरीका होता है जी, या तो हम लिक्विड के थ्रू डिस्पेंस कर सकते हैं, जो 10 बूंद वाली होती है वो मदर टिंचर होता है जी, क्रूड फॉर्म में होता है,
तो उसको लो पोटेंसी में देते हैं और 10 बूंद देते हैं। जो पोटेंसी होती है उसको 2 बूंदे या 1 बूंद देते हैं हम उसको जी। और वो पानी मिला के दे सकते हैं, दवाई दोनों में डिस्पेंस कर सकते हैं, गोलियों में भी दे सकते हैं, पानी मिला के भी दे सकते हैं, हैं। डॉक्टर साहब एक ये भी बात है कि कहीं ना कहीं बोला जाता है दवाइयों के पास में कोई खुशबू वाली चीज नहीं रखनी चाहिए, या जब आप दवाई का सेवन करें तो कैसा कोई परफ्यूम या कोई खुशबू चीज नहीं होनी चाहिए। वैसे मैक्सिमम स्टिमुलेंट अवॉइड करते हैं जी, स्ट्रॉन्ग स्पेलिंग समस्या उसको परहेज रखना चाहिए उस चीज से, उससे दवाई का असर कम होता है, ये जरूरी है। डॉक्टर साहब होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति काफ़ी आगे निकल गई है और बाहर की लोग भी इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होम्योपैथी की जब बात आती है तो जापानी दवाइयाँ जो होम्योपैथिक से बनी, जर्मनी की जो दवाइयाँ हैं उनका भी अपना एक अलग इफेक्ट होता है और वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं। तो ये किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन इंडिया में आया कि जर्मनी की भी दवाइयाँ यूज़ होंगी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में? इसका आविष्कार ही जर्मन से हुआ जी, जो डॉक्टर हनीमैन थे वो एलोपैथी उन्होंने वहीं से आविष्कार किया, लेकिन ये जर्मन की दवाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है थोड़ा इंडियन मेडिसिन से, क्योंकि उनका इतना स्टैंडर्ड नहीं है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है जरूर जी। डॉक्टर साहब तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हर एक बीमारी का इलाज है? हर बीमारी का है, बिल्कुल है, हर बीमारी का इलाज जहाँ और मेडिकल साइंस में जिनका इलाज है वो उसका होम्योपैथी में भी इलाज है जी। डॉक्टर साहब जब हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो क्या साथ में उसके होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं? बिल्कुल, क्या होता है दोनों दवाइयों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है जी। होम्योपैथी का काम करने का तरीका अलग होता है, एलोपैथी का अलग होता है, वो मटेरियल डोजेज में होती है, हमारी पोटेंटाइज फॉर्म में होती है, तो हम आधे घंटे गैप से दोनों दवाई ले सकते हैं जी। बिल्कुल, तो दर्शकों आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत, जो कि आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं होम्योपैथी के बारे में, जागरूकता फैला रहे हैं और आपकी भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पेशेंट एलोपैथिक दवाइयां लेता है डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के परामर्श से, और अगर उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है और वो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाता है तो दोनों दवाइयां ले सकता है, बस शर्त है कि आप डॉक्टर की सलाह से लें और आप डॉक्टर के परामर्श से लें। डॉक्टर साहब क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां तो मार्केट में ऐसे भी मिल जाती हैं और हम लोग एंटीबायोटिक्स कई बार अपने आप ही ले लेते हैं बिना डॉक्टर के परामर्श के, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयां बिना डॉक्टर के परामर्श के शायद नहीं मिलती, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। नहीं, ये तो परामर्श कोई भी दवाई होगी डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी दवाई का भी साइड इफेक्ट है। कुछ ऐसी दवाइयां जैसे सांप की जैसे बनती है लेकेसिस जी, एक सल्फर है वो बनती है सल्फर, एक आर्सेनिक संख्या से बनती है, तो ये जैसे हार्ट पेशेंट है तो उसको दवाई हमने ऐसे किसी क्वैक्स की सलाह से या बिना अपने उससे सलाह से नहीं लेनी चाहिए, अगर हार्ट का पेशेंट है तो ये दवाई नुकसान भी कर सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए और हर दवाई ऐसे नहीं लेनी चाहिए बाजार खरीद के जी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब जब देखा जाता है कि जो एलोपैथिक चिकित्सक होते हैं उनका एक अपना प्रोफेशन यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोफेशन होता है, यानी अगर वो स्किन के डॉक्टर हैं तो स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर वो किसी भी बीमारी का अपना एक अलग डॉक्टर, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सक हर बीमारी में अपना एक इलाज करता है, चाहे फिर वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो कैंसर का इलाज हो, यानी एक सब कितना टफ रहता होगा ये? ऐसा होता है, अब होम्योपैथी में स्पेशलाइजेशन हो गया जी, एमडी होने लगी, मैं एमडी हूँ होम्योपैथी में, मैटियामेटिका में, पीडियाट्रिक्स बच्चों की भी है, साइकेट्रिक्स के अंदर भी है, और मेडिसिन में 6-7 सब्जेक्ट में होम्योपैथी में भी एमडी स्पेशलाइजेशन हो गया जी, तो उसके भी डॉक्टर हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब हार्ट पेशेंट्स की बात करें तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसके पीछे का कारण एक होम्योपैथिक चिकित्सक क्या मानता है? इसका एक तो लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, टेंशन और फिजिकल लेवर का, और रिच फूड, पहले खाना नहीं होता था, मतलब एक्सरसाइज बहुत करते थे, फिजिकल लेवर ज़्यादा होता था, इसलिए कम होती थी हार्ट की प्रॉब्लम, आजकल इसीलिए हार्ट की लाइफ स्टाइल की वजह से टेंशन बहुत है और फिजिकल लेवर कम है और रिच डाइट है, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है जी। तो डॉक्टर साहब होम्योपैथी में हार्ट का इलाज, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हार्ट की प्रॉब्लम निकल कर सामने आती है लोग एलोपैथिक चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं, क्या होम्योपैथिक चिकित्सक के पास भी लोग हार्ट का इलाज कराने के लिए आते हैं? बिल्कुल आते हैं, और बहुत इफेक्टिव दवाई होती है, जैसे किसी के आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है तो उसमें होम्योपैथी दवाई बहुत ही कारगर है, किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसमें भी बहुत कारगर है जी, किसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पालपिटेशन बोलते हैं उसको, उसके भी बहुत कारगर है, काफ़ी इफेक्टिव दवाइयाँ होम्योपैथी में भी हार्ट के लिए जी। तो डॉक्टर साहब किस तरीके से वो दवाइयाँ और किस मतलब स्टेज देख के दवाई दी जाती है, कैसे उन्हें दवाइयाँ दी जाती है? वैसे हमारे होम्योपैथी में हम पूरे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, सिम्टोमेटिक देते हैं, ना कि हमें कोई डिजीज, हमें डिसीज से कोई मतलब नहीं, हम पूरे उसकी ओवरऑल हिस्ट्री करके, हिस्ट्री लेके पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद जब दवाई देते हैं उसको,
बिल्कुल, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत, जो कि आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक होम्योपैथिक चिकित्सक अपने पेशेंट को डायग्नोस करता है और फिर उसकी बीमारी का इलाज करता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अब हर बीमारी का इलाज है, यानी आप कैंसर की बीमारी को भी अगर हम बात करें तो उसका इलाज भी एक होम्योपैथिक चिकित्सक बड़े ही बखूबी करता है और इफेक्टिव दवाइयों से होता है। डॉक्टर साहब, ये हमने बात की अभी हार्ट के बारे में, डायबिटीज़ के पेशेंट की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर अपना इलाज करवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हम उसके बहुत से लोगों की क्या होता है, अगर प्राइमरी स्टेज में हम आ जाएं स्टार्ट में, तो उससे कंट्रोल रहती है, डायबिटीज ठीक नहीं होती, उसकी दवाई हमेशा लेनी पड़ती है। बिल्कुल, अगर जिसका कंट्रोल नहीं हो रहा तो अगर साथ में होम्योपैथी दवाई दें तो उससे कंट्रोल हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब एलोपैथिक दवाइयाँ साथ में चलनी चाहिए, वो भी जरूरी है। बिल्कुल, तो दर्शकों होम्योपैथी के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ आज डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं, और अगर वो बीमारी आजीवन है जिसे डायबिटीज़ की परेशानी है तो आप उसमें किस तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपना एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तमाम जानकारियाँ हम लेंगे डॉक्टर साहब से होम्योपैथी के बारे में और आपकी भ्रांतियों को भी दूर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूँ डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद हैं आज प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत, जो कि आपको दे रहे हैं तमाम जानकारियाँ, जो कि दयालबाग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, भारत विकास परिषद चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और साथ ही होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तमाम जानकारियाँ आज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में हम इनसे प्राप्त कर रहे हैं और भ्रांतियों को डॉक्टर साहब दूर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग बात कर रहे हैं होम्योपैथी के बारे में कि किस तरीके की पद्धति है, लोगों को जागरूकता बहुत ज़्यादा हो रही है इसके बारे में, लोग एक होम्योपैथी चिकित्सक से मिल रहे हैं। अगर हम बात करें संक्रमण रोगों की, तो किस तरीके से ये रोग बढ़ते हैं और ये हमें देख रहे हैं इस मौसम में भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इस मौसम में स्पेसिफिकली ये रोग क्यों बढ़ते हैं, पहले अगर हम इसके बारे में बात करें? इस मौसम में इसलिए बढ़ते हैं कि ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जी, तो उससे वायरस ज़्यादा डेवलप होता है, उससे वायरस फीवर स्वाइन फ्लू डेंगू चिकनगुनिया ये बहुत होते हैं, इसी टेम्परेचर की वजह से होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब डेंगू का लोग नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर वो अपनी प्लेटलेट्स चेक करवाते हैं, फिर वो जाके खून का इंतजाम करते हैं और तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं, मतलब उनके परिवार में भी खौफ हो जाता है कि डेंगू का मरीज है तो या तो इससे दूर रहो और उसके बाद उसकी अच्छे से केयर होनी चाहिए, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। तो ये एक होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जब एक डेंगू का मरीज आता है तो फिर क्या इलाज होता है? डेंगू के पेशेंट चिकनगुनिया के जब एपिडेमिक फैला था 2006 में जी, हमने हजारों पेशेंट ठीक किए और एक हफ्ते के अंदर किसी की प्लेटलेट्स कम नहीं हुई, जिनकी प्लेटलेट्स जो और पैथी से होकर आए थे उनकी प्लेटलेट्स हमने 28, 26, 20,000, 8,000 तक प्लेटलेट्स नॉर्मल कर हो गया, 3-4 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाती जी, उसकी प्लेटलेट्स नॉर्मल करने की दवाई होम्योपैथी में कारगर है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब उसके पहले उनको कोई टेस्ट वगैरह करवा के आपके पास आना चाहिए? टेस्ट लेके ही आते हैं वो लोग अपनी जाँच करा के, इतनी प्लेटलेट्स हैं, उसके बाद हम होम्योपैथी दवाई देते हैं। हमारे होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव दवाई है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जी, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बिल्कुल हमने किया अपने क्लिनिकल ट्रायल जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया का जो दर्द शुरू हुआ था वो कई बार हम देखते हैं कि लोगों में आज तक है और अभी भी है, तो क्या इसका इलाज भी होम्योपैथी? बिल्कुल, जिन लोगों को 2006 में चिकनगुनिया हुआ था अभी भी ऐसे पेशेंट आते हैं, इनको महीने 2 महीने के बाद जॉइंट्स पेन फीवर उसी तरह का अटैक होता है जी, उसकी होम्योपैथी में बहुत ही कारगर दवाई है, अगर वो डॉक्टर से मिलकर दवाई दे तो ठीक हो जाएगा जी। तो डॉक्टर साहब, उस समय जब वो पेशेंट आए थे तो क्या वो पेशेंट भी ठीक हो पाए हैं होम्योपैथी में? हाँ बिल्कुल होते हैं, वो भी होते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, इनका इलाज कितना लंबा चलता है ये भी जानना चाहिए? ये कम से कम 3-4 महीने का आना पड़ेगा, 3 to 6 months तक लेना पड़ता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर एक बात करें, जो लोग होम्योपैथी चिकित्सक से दवाइयाँ लेते हैं यानी इलाज करवाते हैं, फिर वो कई बार स्किप कर देते हैं दवाइयाँ 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, अगर उनकी दवाइयाँ जब खत्म हो जाती हैं फिर वो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, तो क्या इसका कोई असर पड़ता है या फिर कोई ब्रेक जो हो जाती हैं दवाइयाँ, क्या वो रीस्टार्ट होती हैं दोबारा से? दवाई होम्योपैथी का बीच में ब्रेक नहीं होती, कंटिन्यूटी में लेना चाहिए, क्योंकि दवाई का क्या होता है अगर ब्रेक होगा तो फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा।
जी, तो यानी वो कोर्स वहीं पर ही रुक जाता है, दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी, तो दर्शकों आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत, जो कि आपको दे रहे हैं होम्योपैथी के बारे में तमाम जानकारियां। डॉक्टर साहब ने आपको बताया डेंगू, चिकनगुनिया, ये तमाम तरीके के जो संक्रमण रोग हैं ये जब फैलते हैं तो यानी इन बड़ी बीमारियों का इलाज भी अब होम्योपैथी में है। आप मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से और आप इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपने आप में एक बेहद अच्छी और बेहद दवाइयों की वजह से यानी अपने आप में खास है और आपका इलाज भी जल्दी करती है। कई बार भ्रांतियों की वजह से हम एक अच्छी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो आज उन्हीं भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत। डॉक्टर साहब यहाँ पे बात करें, जब चिकनगुनिया या डेंगू इस तरीके की जब डिजीजेस होती हैं तो उनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है लोगों को कि आप इनसे दूर रहिए, यानी अगर एक घर में भी लोग हैं तो वो अपना खाना अलग खाते हैं, अपनी हर चीज़ को अलग कर देते हैं, तो क्या ये आपस में कॉन्टैक्ट से फैलती है? नहीं नहीं, आप अगर ऐसा होता है, अगर मच्छर काट के और घर वाले के दूसरे को काटेगा तब हो सकता है जी, ऐसे कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। ये केवल मच्छर काट के दूसरे को काटेगा जब फैलेगा, ब्लड कॉन्टैक्ट से, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, खाने वाले से नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है कि मच्छर पैदा ना हो, क्योंकि मच्छरों की वजह से तमाम बीमारियां होती हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? मच्छरों को रोकने के लिए तो घर के अंदर गंदगी नहीं हो जी, वाटर का स्टेगनेशन नहीं होना चाहिए, वाटर मतलब कहीं घर में इकट्ठा नहीं हो, उसके बचाव रखना चाहिए, गंदगी नहीं हो, बस ये सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो बाहर की खुली हुई चीजें खाते हैं और इस मौसम में तो मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बच के रहना चाहिए जी खुली चीजों से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं लोग जूस पीते हैं जब ठेल ढकेल पे खड़े होके और वहीं पर वो कटवा करके और उसे खाते हैं, तो क्या ये जूस उनकी सेहत पर नुकसान पहुंचाएगा या उन्हें फायदा देगा? ये जो खुला जूस खाते हैं उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है जी, डायरिया हो जाएगा, आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए खुली चीज नहीं खानी चाहिए बाजार की। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, ये हमने बात की संक्रमक रोगों के बारे में, कैंसर की बीमारी की अगर हम बात करें तो कैंसर को लेकर भी यानी आज 21वीं सदी में भी लोग डरे हुए हैं कि कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो पूरे परिवार में खौफ हो जाता है और यही माना जाता है कि कैंसर का पेशेंट अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, तो क्या इस इतनी बड़ी बीमारी का इलाज भी होम्योपैथी में है? कैंसर दो तरह के होते हैं जी, एक बेनाइन, एक मैलिग्नेंट। बेनाइन तो हर पैथी में ठीक हो जाता है जी, लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो डिपेंड करता है किस स्टेज में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और उसका एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल गया नहीं फैला, उसके ऊपर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें अगर एक पार्ट में फैला हुआ है, बेनाइन तो सभी पैथी ठीक कर देती है जी, लेकिन मैलिग्नेंट क्या होता है, वो अगर एक पार्ट में फैला है तो उसको रिमूव करके कीमोथेरेपी जो भी पैथी करके तो ठीक कर सकते हैं, अगर वो फैल गया तो कोई पैथी ठीक नहीं कर सकती जी। तो डॉक्टर साहब, जब आप उसका इलाज ड्यूरेबल नहीं है जी, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर वो नहीं फैला या फिर एक पार्ट तक सीमित है तो उसका इलाज होम्योपैथी में बखूबी हो सकता है? हाँ, हो सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज के लिए पेशेंट को कंटिन्यू दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी और उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, कैंसर के पेशेंट के लिए भी क्या कोई परहेज होती है या उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग कुछ उसको जी? डॉक्टर साहब, ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में एक बढ़ती हुई समस्या है, तो क्या इसके लिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट प्लान करते हैं और फिर अलग से कुछ कुछ भी नहीं खाते, कई कई बार तो कई कई दिन तक फास्टिंग पे रहते हैं, तो क्या ओबेसिटी अपने आप में जो इतनी बड़ी बीमारी बनती जा रही है आजकल, क्या ये होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाकर ठीक हो सकता है? बिल्कुल, होम्योपैथी में बहुत ओबेसिटी का बहुत अच्छा इलाज है जी, लेकिन डिपेंड करता है कि बीमारी की वजह से, थायराइड की वजह से ओबेसिटी बहुत होती है जी, वो भी एक इसका कॉज है, अगर हुआ तो उसकी दवाई देने से ठीक हो जाती है। होम्योपैथी भी बहुत अच्छी दवाई है इसके ठीक करने के लिए जी, लेकिन डिपेंड करना क्या कॉज है उसका। बिल्कुल, नहीं कॉज कुछ भी नहीं है तो भी ठीक हो सकती है होम्योपैथी मेडिसिन जी। डॉक्टर साहब, लोग मानते हैं कि होम्योपैथिक दवाई को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक बिना डॉक्टर से परामर्श लिए, अगर डॉक्टर ने एक बार कहा कि आप ये दवाइयाँ लीजिए, दो तीन महीने दवाई ली तो उसके बाद कई कई बार देखा गया है साल भर तक लोग ले लेते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे मीठी गोलियों की तरह चूस लेते हैं, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट सच में नहीं होता? बिल्कुल साइड इफेक्ट होता है, अगर आदमी दवाई एक ही दवाई को लगातार खाता रहेगा तो उसी दवाई के सिम्टम बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं, इसलिए दवाई कोई भी कंटिन्यू बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लेती है। बहुत सी दवाई ऐसी होती है जैसे सांप की जैसे बनती है, जैसे एक नाजा और जहर होता है उससे बनती है, सल्फर होता है, गेफाइटिस होता है, आर्सेनिक होता है, इसको हम लगातार नहीं दे सकते, इससे कभी आदमी की जान भी चली जाती है अगर लगातार खाता रहेगा, बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लेती जी। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई आपके मेडिकल टाइम में, मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या कोई ऐसा केस आपको देखने को मिला है कि इस वजह से लोगों की बॉडी में कोई इफेक्ट हुआ हो या नेगेटिव इफेक्ट हुआ हो? एक पेशेंट था बाहर का जी, उसको एक दवाई दी गई सांप के जैसे बनने वाली, उसको बहुत आराम, एक हफ्ते के अंदर काफी चेंज आया, उसने क्या किया,
उसको पर्चा लेके डॉक्टर के पास पहुंच गया, उसी को खाता था जी। वो 6 महीने बाद देखा तो जब उसकी बॉडी में से डिस्चार्ज होने लगे, काफी डेंजरस कंडीशन पहुंच गया, उसकी डेथ हो गई। इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खरीदी। बिल्कुल। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश सारस्वत, जो कि आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में कार्य होता है और आपके लिए किस तरीके से एक होम्योपैथिक चिकित्सक की डायग्नोस करता है, फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करता है। हर बीमारी का इलाज होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में है, बस शर्त है आपको डॉक्टर के पास सही समय पर पहुंचने की और उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको दवाइयां लेने की। डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या साइड इफेक्ट भी होते हैं। हमारे सबके दिमाग में एक बात रहती है कि क्या होम्योपैथी दवाइयों से क्या साइड इफेक्ट होता है, तो लगभग ज्यादातर लोगों का जवाब होता है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक दवाइयां हैं, ये भी केमिकल से मिलकर बनी है, इसलिए डॉक्टर की परामर्श से ही हमें दवाइयां लेनी है। जितने टाइम टाइम तक डॉक्टर कहे उतने टाइम तक लेनी है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि खाने पीने में लोग अपने आप मतलब किस तरीके से खाना खाएं कि आजकल बीमारियों से दूर रहें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर के पास जाने से बचना ही चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। तो क्या कोई पहले से ऐसी मेडिसिन होती है कि पहले से ले लिया जाए होम्योपैथी में और फिर वो बीमारियां ना हो? ऐसा तो कहीं किसी ने लाइफ स्टाइल की वजह से कुछ बीमारी को बचा सकता है। खाने में परहेज, ज्यादा चिकनाई नहीं खाए, ज्यादा मीठा नहीं खाए और एक्सरसाइज करे तो 90% बीमारी से आदमी बच सकता है जी। डॉक्टर साहब, जो लोग जिम जाते हैं आजकल उनके साथ में भी कई बार दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो लोग बिना एक्सपर्ट के जिम में एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप सब मतलब प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, तो उनकी वजह से भी क्या उन्हें दिक्कतें पैदा हो रही हैं? क्या होता है, एक्सरसाइज भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करनी चाहिए। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसका वेट था 1 क्विंटल। वो क्या किया, उसने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और 2 घंटे खेलता था। उसकी एज थी 22 साल, उसके दोनों घुटने बेकार हो गए, उनको नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, क्योंकि हर चीज़ की वो होती लिमिट। अगर हम नी को ज़्यादा यूज करेंगे तो वो कार्टिलेज घिस जाएगा उसका पूरा, और वेट ज़्यादा उसका। तो एक्सरसाइज भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं, मतलब जो फी एक्सपर्ट की सलाह के नहीं करनी चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर प्रोफेसर कैलाश सारस्वत के साथ तमाम चर्चा की और आपको बताया, आपकी भ्रांतियों को दूर किया डॉक्टर साहब ने और आपको तमाम जानकारियां दी किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हैं। सभी का एक कंक्लूजन रहता है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, क्योंकि ये बढ़ती हुई बीमारियां आपकी लाइफस्टाइल से आ रही हैं। तो जब आप लाइफस्टाइल को बदलेंगे, अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे और कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए एक्सपर्ट के अंडर में, तब आप बीमारियों से बच सकते हैं। और खान पीन में आप जो बाहर का खाना है वो ना खाएं, लेकिन अगर आप किसी तरह की कोई बीमारी में ग्रस्त हैं तो आपको एक होम्योपैथिक चिकित्सक अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। और तमाम भ्रांतियों को आज डॉक्टर साहब ने दूर किया और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति किस तरीके से कार्य करती है इसकी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, चलते चलते यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, इस शो के माध्यम से आप दर्शकों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? अगर किसी को बीमारी से बचना है तो पहले तो हमें स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ ऑक्सीजन मिलती है, तो लोगों का ये प्रण लेना चाहिए कि हम हर आदमी को अपने बच्चे के जन्म पर पेड़ लगाएं और उसको अपने बच्चे की तरह परवरिश करें, क्योंकि ये हमारी माँ है, पेड़ वो हमें जीवन देती है जी। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, इसलिए हर आदमी को एक तो पेड़ लगाए, एक्सरसाइज करे और बाहर की चीज खाए कम, खाए मीठा चिकनाई ये कम खाए, स्वस्थ रह सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना खास ख्याल। नमस्कार।